मेगा उपाध्याय हमारी सहयोगी अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हमने हादसे के ठीक पहले का वीडियो मेगा दिखाया, आप विदेश बता रहे थे अभी कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, लेकिन इस सारे प्रकरण में अभी जो चीजें चल रही हैं उससे जुड़ा ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए जी हाँ, मैं यहाँ पर अलीगढ़ में मौजूद हूँ और अलीगढ़ में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि तकरीबन 38 लोग 38 शव यहाँ पर भी पहुंचे थे, 12 लोग अभी भी घायल हैं जिनमें एक की स्थिति बहुत गंभीर है जो कि दीनदयाल अस्पताल में एडमिट है। वहीं 6 लोग जो हैं वो तकरीबन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक परिवार है, ये परिवार भी उस सत्संग में हुए हादसे का दंश झेल रहा है। इनके परिवार से जो लोग गए थे वो अभी तक लापता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। कौन गया था आपके परिवार से सत्संग? सासुमा। सासुमा गई थी, कुछ पता चला उनका अब तक? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है। कहाँ कहाँ जाकर आपने देखा? अभी फिलहाल यहीं आए। तो यहाँ पर होने की कोई जानकारी मिली थी? नहीं, ये मालूम पड़ा था कि हाथरस से डेड बॉडियाँ यहाँ आई हैं। तो यहाँ पर अभी भी तकरीबन 35 डेड बॉडी जा चुकी है, 2 अभी भी बाकी है, आपने देखा? देखा, उनमें नहीं है। उनमें नहीं है, तो आप प्रशासन से कोई बातचीत कहाँ जाएंगे? अब ये प्रशासन बोल रहे हैं कि मेडिकल में देख लो। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी जो नानी थी वो पहले भी सत्संग में जाते रहती थी भोले बाबा के? 2-3 साल से जा रही हैं वो तो। अच्छा, 2-3 साल से इनके सत्संग में जा रही हैं। आपको कुछ पहले से पता था भोले बाबा कौन हैं, कि किस तरीके से पहले वो क्या क्या होने का दावा करते हैं? ये कुछ नहीं पता मेरे को इसके बाद। तो अब आप लोग कुछ चाहते हैं, एक्शन लिया जाए? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मर गए, हम तो अभी पता ही करने आए, अभी एक्शन क्या हम क्या कर सके? हम आपकी नानी नहीं मिली लेकिन बाकी लोग तो मरे, ये तो जानकारी है आप लोग? ये तो है, चाहते हैं एक्शन हो इसके बारे में? हम कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल कुछ कहेंगे कोई एक्शन एक्शन? क्योंकि कई परिवार हैं जो इस भीड़ में इस वक्त अपनों को ढूंढ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस सत्संग हादसे पर बहुत बड़ी खबर यह है कि हादसे के बाद से फरार भोले बाबा का जो सुराग है वो मिल गया है। मैनपुरी में भोले बाबा के होने की खबर मिल रही है, हरिनगर के सत्संग स्थल में शरण ली है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। राम कुटीर आश्रम में तलाशी अभियान जारी है। ये बड़ी जानकारी भोले बाबा को लेकर, उसकी लोकेशन को लेकर बताया जा रहा है कि राम कुटीर आश्रम में तलाशी अभियान भी जारी है। रविकांत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रविकांत, क्या अभी तक जानकारी मिली है, क्या जो भोले बाबा की लोकेशन है वो मिल गई है? देखिए, ये माना जा रहा है कि ये जो भव्य आश्रम है, एक फार्म हाउस जैसा, इसमें बाबा के छुपे होने का अंदेशा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब मीडिया एक ओर थी, उस दौरान इस आश्रम का जो दूसरा गेट है वहां से कुछ गाड़ियां पुलिस ने निकाली हैं। यहां जो स्थानीय संवाददाता हैं हमारे, उनसे हम बात करेंगे कि क्या जो करीब एक दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई इस आश्रम से, क्या उसमें बाबा के छुपे होने का अंदेशा है? देखिए, अंदेशा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि उसको, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो सुनील कुमार डीएसपी हैं यहाँ पे, वो कल भी जैसे कि अंदर गए थे, और अंदर आने जाने के बाद उन्होंने अंदर मैंने देखा है जा करके, और बाबा अंदर नहीं है और वो अकेले ही गए थे, अकेले ही अंदर जाकर। बाद से कोई सर्चिंग भी नहीं हुई? उसके बाद से कोई सर्चिंग नहीं हुई, पुलिसकर्मी की कोई कमी नहीं थी, पुलिसकर्मी 2 दर्जन के आसपास यहाँ पे मौजूद रहे, पूरी रात में यहाँ पे था, पूरी रात यहाँ पे मौजूद पुलिस रही, सीओ भी बीच बीच में आते रहे। कल से आज तक पुलिस की अंदर जो है किसी तरीके की छानबीन नहीं हुई है? नहीं, केवल सीओ अकेले ही गए थे, और अकेले जाने के बाद बाहर आके वो उन्होंने, उनका स्टेटमेंट था कि मैंने अंदर जाके बाबा को सर्च किया है, मगर बाबा वहां पे नहीं मिले। मगर अगर पुलिस को ये पूरी तरह यकीन था कि अंदर नहीं है, तो सुबह से यहाँ पर पुलिस का चारों ओर पहरा हम देख रहे थे। हाँ, चारों तरफ पहरा भी था, और इसमें एक देखने वाली बात यह है कि मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो अगर रात के 12 बजे के बाद एक बार अगर मेन रोड पे गई हैं तो उसको वहाँ से वापस नहीं आने दिया। तो ये गाड़ियाँ जो इस टाइम निकाली गई हैं, ये गाड़ियाँ रात में भी निकाली जा सकती थी, और उसमें एक गाड़ी वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें जेट ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। तो आशंका उसमें ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं बाबा उसी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से बाहर। आपको कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं बाबा की मदद कर रही है, जो स्थानीय पुलिस। आप जो बात कर रहे हैं इसके मायने हैं, हमारे साथ बने रहिए, आप एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं, और इस भगदड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। मैनपुरी में बाबा का सिक्योरिटी गार्ड बोला है कि आश्रम के अंदर ही मौजूद है भोले बाबा। यह बड़ी खबर, जो सिक्योरिटी गार्ड इस आश्रम का है उसका यह कहना है कि आश्रम के अंदर ही है भोले बाबा। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया? मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में है? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं?
लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं।